नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव रविवार को फिर चर्चा में आ गए। वे पार्टी लाइन से हटकर आरजेडी का खेल बिगाड़ने जहानाबाद पहुंच गए। उन्होंने अपने समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार चंद्र प्रकाश यादव के लिए जनता से वोट मांगा। साथ ही जहानाबाद में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव के खिलाफ शंखनाद किया। बिहार में शासन किया और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने शासन करने का काम किया और उसी में ये सब जो आज कैंडिडेट बनते फिर रहे हैं जहानाबाद से, ये सब आरएसएस और बीजेपी का चाल है। अगर आप नहीं समझ रहे, क्योंकि नौजवान में क्षमता होता है। जैसे राहुल गांधी जी नौजवान है, अखिलेश जी नौजवान है, तेजस्वी जी नौजवान है, हम लोग नौजवान है। हम लोग विकास करेंगे, नया नया स्कीम लाने का काम करेंगे, अस्पताल बनाने का काम करेंगे, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे, बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेज खोलने का काम होगा। तो नौजवानों में क्षमता होता है काम करने का। यही लोग मेरा बना रहा चार पैसा क्यों, उन्हीं लोग के वजह से ये जो टिकट जिनको मिला है, गलत लोगों को टिकट मिला है। क्यों क्यों फिर से वही कांड हो, वही सब जगह जमीन हड़पा जाए। गया में एयरपोर्ट के बगल में कितना जमीन है, जान रहा ना कि किसका किसका जमीन है। सब जगह से इनका काम है, तस्करी लोग लग रहा थे, गरीब गुरबा का जमीन हथिया लो, उसको छोड़ दो। क्यों हथिया लो गरीब गुरबा का जमीन, उसका हक तो तेज प्रताप यादव जब तक जिंदा रहेगा। इसलिए हम लोग असली लालू यादव का खून है, वो लोग तो हम डेढ़ लाख चीर के दिखा देंगे। अभी हम चीर के दिखा देंगे ये चंद्र प्रकाश को। अब शब्द बोलने का काम किया, ये आप देख सकते हैं कि कैसा उनका एजुकेशन है। उस सांसद भी रहे हैं, पार्लियामेंट भी रहे हैं, उनकी बोली देख लीजिए कितनी गंदी बोली है, कितना गंदा सोच है। तो ये गंदा सोच वाला क्या आपका विकास करेगा, आप बताइए। गंदा सोच वाला क्या विकास करेगा। जो अच्छा सोच वाला होगा, वही जो नौजवान होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उस वो ना आप लोग का विकास करने का काम करेगा। कि जिसका सोच इस तरीके का रहेगा वो विकास करेगा। बताइए पब्लिक के सामने आप खुले आप मीडिया में इनको जानवर बोलता है, क्या जानवर जी बोले तो कहे जानवर बोला। ये नौजवान है या जानवर दिखता है, इसका पूछ है क्या। ये मानव है, उसी योनि से सबको गुजरना पड़ता है। 84 लाख योनि है, जब आदमी मरता है तो 84 लाख योनि में भटकता है। आप गया के निवासी हैं क्या, भगवान बुद्ध से आपको यही शिक्षा मिली है। भगवान बुद्ध से शिक्षा ये मिली है, भगवान बुद्ध कभी उन्होंने शस्त्र नहीं उठाने का काम किया, हमेशा शांति पूर्ण बात करने का उन्होंने काम किया। सारे देश में आज उनका चर्चा होता है, क्यों क्या बुद्ध भगवान शस्त्र उठाते थे। आप तो उनके धरती को भी आपने गंदा करने का काम किया, आप उनकी धरती को भी गंदा करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आपको आगे नहीं बढ़ाना है दोस्तों। वो बहुत तरीके का हर फंड अपनाएगा, पूरा गांव गांव में घूम रहा होगा, उसका एलचा बेलचा जितना होगा ये सब आरएसएस वाला है। ये लोग यही इसलिए घूम रहा है कि वापस तेजस्वी गद्दी पे नहीं बैठे। हम लोग का संकल्प है, हम लोग संकल्प लिए है कि तेजस्वी को हम लोग को गद्दी पे बैठाना है। तो बैठाना है तो ऐसे लोगों को हम लोग को दूर करना है। आप लोग का आशीर्वाद इसको दीजिए और इसको कीमती से कीमती मतदान अपना इच्छा द्वारा इसको देने का काम कीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ, ये वादा नहीं कि समझिए कि तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़ने का काम। आप लोग सारे बिरादरी, सारी जाति, सारे बिरादरी के लोग, सब लोग एक इंसान धर्म होने के नाते, एक अच्छे मानव होने के नाते इनको सहयोग देने का काम कीजिए और इनको विजय बनाने का काम कीजिए। इनको नहीं काम कीजिए और
आप लोग चिलचिलाती गर्मी में, इतना गर्मी में भी आप लोग यहाँ आने का काम किए और आप लोग का इसी तरीके से फिर हमारा कार्यक्रम अब जहानाबाद में पूरा हरेक जगह में हल्का जिस तरीके से आप देख लीजिए कि किस तरीके से पहले हम विधायक का चुनाव लड़े महुआ से, तो पूरा देश में महुआ का पूरा चर्चा हो गया, देश विदेश सब जान गया, विदेशी लोग तक जान गया, उसी तरीके से जहानाबाद को जान जाएगा, देश विदेश में सब जगह नाम फैलेगा। इसलिए नौजवानों को, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, गुंडे छवि वालों को नहीं, जिसके ऊपर केस मुकदमा हो वैसे लोगों को आप लाने का काम ना करें। दोस्तों, माताएं बहने, आप तमाम लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपना कीमती से कीमती वोट इनको देने का काम करें और इनको विजय बना करके अब पार्लियामेंट में वहां फैलने का काम करें। फिर उसी तरीके से पार्लियामेंट में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव गर्ज होते थे, उसी तरीके से तेज प्रताप यादव गर्जने का काम करेगा। तो आप लोग लालू राबड़ी मोर्चा के बैनर के तरह देख लीजिए, एक तो लालू राबड़ी मोर्चा हमने बनाया, बहुत सारा लोग कमेंट किया, अपना ही पार्टी का जो लफंदर लोग है, जो अज्ञानी लोग है, वो लोग कमेंट करने का काम किया कि लालू राबड़ी मोर्चा क्या है, लालू राबड़ी से ही लालटेन निकला। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।